Acha Jani bhai, last not, Ji, but last last the least. Not the least. Abhi one of the special bike. Ab humne aakhir mein rakha hai. Aapko dikhate hain aur Jani bhai se kahenge zara hum iski specification jo hai wo bataye. To I would say one of the most beautiful bike in heavy bikes, the Kawasaki H2. And that was Kawasaki H2 ji, pehla production bike which comes with a supercharger. Okay. 1000cc sir bike hai. This is a 4-stroke liquid cool engine aur 197 brake horsepower ye produce kar rahe. 0 to 100 वैसे तो मेरा ख्याल है बाइक चलाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है लेकिन जो क्लेम्स हैं वो अंडर 3 सेकंड्स है अंडर 3 सेकंड्स 5 से 3 सेकंड बहुत तेज बाइक जिस तरह मैंने आपको पिछले बाइक एक ZX 14 के बारे में कहा था कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है तो कथन ये बाइक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए आपको एक दफा इसका एक 360 व्यू दिखा दें आपको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक जो डिज़ाइन किया गया इससे जोनी भाई मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़ के क्या नहीं जी अभी तक तो इससे ऊपर का बाइक हम लोगों ने भी नहीं देखा बल्कि ये व्यूअर्स में आपके घर में आपसे मिलने आए सुपर चार्जर ठीक 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 और ये अगर हम फ्रंट लुक से अगर बात करें तो इसके फ्रंट पे जो है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और अंदर बुला ले ये फ्रंट पे आप देखें ड्यूल डिस्क के साथ ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं विद एबीएस और 1000 सीसी का इंजन है विद सुपर चार्जर और गल्बन ब्रॉक्स का इस पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है जी ब्रॉक्स एलियन है सिंगल चार्जर स्विंग आपके साथ है बहुत ही नीट एंड क्लीन आप उससे सिंगल साइड स्विंग आर्म की जो आपने देखा है ये इटालियन बाइक्स में पहले बहुत ज़्यादा डुकाटीज में आया करता था अच्छा लेकिन जापानीज बाइक्स में बहुत ज़्यादा कंपनीज ने सिंगल साइड स्विंग आर्म वाला जो आइडिया है वो प्रोजेक्ट कर दिया था दिस पर्टिकुलर बाइक इसमें काफ़ी रेवोल्यूशनरी बाइक था द डिज़ाइन द इंजन द टेक्नोलॉजी तो एच टू में आपको बहुत सी चीज़ें इस तरह की नजर आएंगी जो बाकी जापानीज बाइक्स अभी तक नहीं कर सकती ठीक हो गया इसकी टेल की एक लुक दिखा दें एलईडी ब्रेक लाइट्स हैं इसकी और अगर मीटर की बात की जाए तो स्टार्ट होने पे ये कुछ इस तरह से वेलकम करता है तो इसके आरपीएम जो है वो एनालॉग हैं बाकी स्पीड जो है वो इसके डिजिटल में है यहाँ पे इसके गियर इंडिकेटर है स्पीड इन किलोमीटर और माइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और टोटल ये पर्टिकुलर बाइक जो है वो 8654 किलोमीटर जो है वो चला हुआ है तो राइट हैंड साइड पे अगर आप आ जाएँ तो इसके हमें मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट बटन उसके बाद मोड बटन है उसके बाद किल स्विच है और इसके इनसाइड अगर लेफ्ट साइड पे हम आ जाएं तो हैजर्ड्स की ऑप्शन है हैजर्ड लाइट्स की ऑप्शन है इंडिकेटर की ऑप्शन है हॉर्न है और यहाँ पे हमारे डिपर का ऑप्शन मिल जाती है आपको तो फ्रंट पे इसकी लाइट की जो लुक है वो कुछ इस तरह से है दिखा दें कि इंडिकेटर जो है इसके कुछ इस तरह से लुक है हैजर्ड की ऑप्शन आपको इसमें मिल जाती है आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक and heavy bikes the Kawasaki H2 अगर अभी आपको इसका साउंड जो है वो चेक कराते हैं स्टे विद अस इसका साउंड जो है वो चेक करवाते हैं Kawasaki H2 का
ये तो इस ब्लॉग को इधर ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। This is my life. Every minute, every second. I ride to feel, to breathe, to soar, to overcome, to relax, to heal. But most importantly, I ride to live. My name is Ahmed Tasir, and this is my passion.